टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा देश में लॉकडाउन था, हालांकि अभी भी कोरोना का कहर महाराष्ट्र मुंबई से खत्म नहीं हुआ है। लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद था, मुंबई थम सी गई थी, यानी सब कुछ ठप हो गया था, जो जहां था वहीं कैद हो गया था। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है उन गरीब मजदूरों का जो इस महामारी का सामना व कोरोना से जंग लड़ रहे थे। सवाल क्या है हम आपको बताते हैं। पहला तो सरकार ने आह्वान किया था कोई भी किराएदार से किराया जबरन नहीं वसूलेगा, और जिसकी हैसियत है देने की वो किराया दे सकता है। 50% लोगों की हैसियत नहीं थी घर का किराया देने की, लेकिन उसके बाद भी मकान मालिक किराए वसूले और जो नहीं वसूल पाए लॉकडाउन के दौरान वो अब वसूल रहे हैं। ये तो पहली समस्या, और दूसरी समस्या बिजली बिल, एवरेज बिल, वो भी अंधाधुंध बिल, बिना रेडिंग के बिल घर तक पहुंचाए गए। अब तीसरी समस्या है घर पट्टी, पानी पट्टी टैक्स। चौथा है बच्चों के स्कूल फीस एडमिशन। और टैक्स को लेकर जैसे ही भिवंडी में घोषणा हुआ, उसके बाद उसी तर्ज पर मुमरा से भी मांग, ठाणे महानगर पालिका और महापौर से मांग तेज हो गई। यहां तक मुमरा शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मुफ्ती अशरफ ने तत्काल महापौर आयुक्त को पत्र देकर मांग की घर टैक्स, पानी टैक्स माफ किया जाए। वही मुमरा से मुस्लिम लीग के ठाणे शहर अध्यक्ष आमीन शेख, फरहत शेख अपनी टीम के साथ थाने मनपा आयुक्त और महापौर से मांग की है कि घर पट्टी, पानी पट्टी टैक्स टीएमसी के तरफ से माफ किया जाए। दो अलग अलग लोगों ने इस विषय पर, इस मुद्दे पर मांग की है। अब थाने महानगर पालिका इस विषय को, इस मांग को कितना महत्व देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।